हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है उसे हम बनाएंगे बहुत सारे सैलेड के साथ, और ये बहुत ही ज्यादा यम्मी है, बहुत ज्यादा टेस्टी स्पाइसी बनने वाली है। साथ ही अगर आप अभी अपने डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैंने इसे खा के हर बार अपने बढ़े हुए वजन को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है फ्रेंड्स। और बिलीव मी, हर बार सीजेरियन के बाद मैंने इसे खाया है और मिरेकल रिजल्ट भी इसका मिला है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ले लिया है बॉइल्ड बीट, यहाँ पे ले लिया है पका हुआ बढ़िया टमाटर। हमें खट्टे टमाटर का यूज नहीं करना है, मीठा टमाटर होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। और धनिया पत्ता हमें ले लेना है, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पे कैरेट लेना है, गाजर, और हमें ले लेना है प्याज, बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू भी हमें बहुत ही अच्छा होता है, खाना चाहिए हमारे लिए, बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है। यहाँ पे हमने चाट मसाला ले लिया है, नमक ले लिया है और काली मिर्च ले ली है। तो ये देखिए, अभी हमारा यहाँ पे बॉइल्ड चना है। ये जो चना रात को, जो काला चना होता है, उसे हम रात भर पानी में सोख करके रखेंगे, और जब हमें चाट बनाना है उसे गर्मा गर्म बॉइल्ड कर लेंगे। इसे बॉईल करने के टाइम पे हमें इसमें सॉल्ट यानी कि नमक का यूज करना है। तो चाट बनाने के टाइम पे हमें नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि हमारे चाट मसाला में भी नमक होती है। तो चलिए, एक बाउल में मैंने चना को डाल दिया है और बॉइल्ड आलू डाल दिया है, कैरेट यानी कि गाजर भी उसके अंदर डाल दिया है मैंने। तो इन सब चीजों को एक बाउल के अंदर हमें डालने के बाद बीट भी डाल लेना है। तो यानी कि जो भी चीजें हमने बारीक चॉप की हुई थी उन सारी सब्जियों को इसके अंदर हम डाल देंगे। प्याज भी डाल दिया है, और अब हम इसके अंदर डाल लेंगे काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, धनिया का पत्ता बिल्कुल फ्रेश। और ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, हमारे हेल्थ के लिए। अब इन्हें हमें वेल मिक्स कर देना है बढ़िया से। अब हम मिक्स करेंगे। चाट मसाला अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा करके डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा चटपटा आता है और खाने में तो मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप इसे खाने के पहले दोपहर में या फिर रात के खाने के पहले खाएं तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके बॉडी में, बहुत ही आप हेल्दी बने रहेंगे। किसी भी चाट के लिए लेमन जूस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है आधा नींबू का रस, और फिर से एक बार इसे वेल मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा मस्त एकदम गर्मा गर्म चाट यहाँ पे बनके ठंडे के टाइम पे रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में। इसके साथ आपको पानी बहुत पीना है और तली भुनी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। बिलीव मी, आप देखेंगे कि मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाठिया डाला है, आप चाहो तो अपने मनपसंद की किसी भी चीज को थोड़ा सा बस इसे टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर ले। तो इस चाट को मैं छोटे बच्चों को भी दूंगी। तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ली अब मैं ऊपर से डालूंगी। अगर आप चाहो तो आप साथ में मिक्स कर सकते हैं कटी हुई हरी मिर्च। और अब इस चाट को आप आराम से सर्व करिए और खाइए, और अपने फैमिली मेंबर्स में आप खिलाइए। छोटे बच्चों को भी आदत दीजिए ऐसे सैलेड और चाट को खाने का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है तो उस थंब को टच करके मुझे मेरे एक वीडियो के लिए लाइक दे दीजिए। अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में अगर आप चाहो तो इसे जरूर से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को टच कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस हेल्दी चाट का मजा लीजिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।